गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह का पूरा 11:30 बज गया है। आज थोड़ा सा मैं नहाने के लिए देर कर दिया क्योंकि ठंड आ गया ना, तो इसीलिए लेट करके नहा के अभी मैं पूजा करके आई हूँ। तो ब्रेकफास्ट पहले करूंगी। ब्रेकफास्ट में आज मुरमुरा और बेगुनी इनका खाना हो गया। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करूंगी थोड़ा सा धूप में बैठ के, क्योंकि विंटर का सीजन में धूप में बैठ के ब्रेकफास्ट करो लंच करो इतना अच्छा लगता है खाने के लिए। तो चलिए गाइस जाते हैं, सुखेर जीवन नहीं। तो ब्रेकफास्ट पहले कर लेती हूँ, उसके बाद तो मैं लंच के लिए भी प्रिपेयर करना है। ब्रेकफास्ट में मुरमुरा, खीरा, ऑनियन और बेगुनी और थोड़ा सा नमक खीरा के साथ और नींबू अचार। यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठ गया है और ये आदमी जा रहे हैं, इनका काम है। तो मैं जा रही हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो यहाँ पर मैं नहा के पूजा भी कर चुकी हूँ। तो चलो दरवाज़ा लगाते हैं, ब्रेकफास्ट करके फिर कुकिंग करना है। चलो आज फिश और परवल की कारी होगा, ठीक है। हाँ, और एक बात, मेरा बिल्ली गुम हो गया। जो पोटी था ना, पोटी का तो 4 बच्चा है ना, 2 लड़का 2 लड़की, मतलब गणेश, लक्ष्मी और कार्तिक सरस्वती हम लोग नाम रखे थे। लेकिन कल से ना लक्ष्मी नहीं है, कल सुबह से यहाँ पर सोते हैं रात को। सुबह उठ के मैं कल देख रही हूँ, कल से पता नहीं चल रहा है। हम लोग बहुत मतलब रोड के साइड में और आस पड़ोस में पूछे हैं कि कहाँ गया है, लेकिन किसी को भी पता नहीं है, नहीं देखे हैं। तो पता नहीं कहाँ गया है, फोन ले गया। और लेकिन जो लक्ष्मी था ना, वो थोड़ा सा दिखने के लिए अच्छा था, तो इसीलिए फोन ले गया, शायद पता नहीं है क्या करें। यहाँ पर ब्रेकफास्ट करूँगी बैठ के। और जो पौधा मैं लगाई थी ना, आपको दिखाऊँगी, चलिए कैसे उठ गया है। देखिए यहाँ पर क्या क्या मैं मतलब जो लगाई थी, पता नहीं, फाइनली थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, उसके बाद पता चलेगा कौन सा कौन पौधा है। ना आम की नहीं, ये भी निकल गया है। हाँ, और ये भी छोटा छोटा उठ गया, देखिए यहाँ पर छोटा ये शायद टमाटर क्या पता नहीं मुझे क्या क्या लगाई। घर के अंदर आ गई हूँ डायरेक्टली किचन में। तो अभी मैं लंच के लिए फटाफट से तैयार करती हूँ, क्योंकि लंच करके मेरा हस्बैंड जाएंगे, उनका क्या काम है, बाहर जाएंगे, तो इसीलिए मैं किचन में आ गई हूँ। तो फटाफट से एक मिक्स वेज बना लेती हूँ। तो आज क्या क्या लंच में बनेगा दिखा रही हूँ। तो मिक्स वेज के लिए सब्जी फ्राई करूँगी ना, जो बेगुनी बनाया था ना इसी ऑयल में, आज बना लूँगी मिक्स वेज। तो सब्जी धो के यहाँ पर रखी हूँ, आलू, पपैया, बैंगन, कच्चा केला, मटर मतलब ग्रीन मटर, ड्रमस्टिक, कैप्सिकम, गाजर और फूलगोभी। ये एक मिक्स वेज होगा और परवल आलू के साथ टमाटर के साथ फिश करी होगा। तो पहले मैं मिक्स वेज के लिए ना सब्जी फ्राई करूँगी इसी ऑयल में, सुबह जो बेगुनी बनाया था हम लोग ब्रेकफास्ट के लिए, इसी ऑयल में बना लूँगी सब्जी फ्राई। हाँ, और यहाँ पर पोटी और पोटी का जो बच्चे है, एक बच्चे तो काल से कहाँ गया है पता नहीं है, राइस बन रहा है, क्योंकि जल्दी से उन लोगों को भी खाना दे दूँगी, नहीं तो फिर रोड तक चले जाता है घूमते घूमते। तो सब्जी फ्राई हो गया है और ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, और इसमें ऑयल भी है, सिर्फ मसाला डालूँगी। मसाला में एक बड़ा साइज की ऑनियन और इसमें है 4-5 ग्रीन चिली और काजू। तो अभी ब्लेंडर में मैं इसको ब्लेंड करूँगी, थोड़ा सा पानी डाल के डाल लेती हूँ। तो मसाला ब्लेंड हो गया, अभी मैं डालूंगी इसमें। तो नमक डाल के मैं सब्जी फ्राई किया था,
लास्ट में थोड़ा सा नमक टेस्ट करूँगी, लगेगा तो डालूँगी नहीं तो फिर हो जाएगा। और मैं ये जो सब्ज़ी है ना वाइट ऑयल से बना रही हूँ, आप चाहे तो घी से भी बना सकते हैं, घी में ज़्यादा टेस्ट लगता है। तो ब्लेंडर धो के पानी डालूँगी, ज़्यादा पानी नहीं क्योंकि जूस नहीं चाहिए और सब्ज़ी भी बॉईल हो गया है। तो अभी टाइम देख रहे हैं पूरा 2 बज गया है क्योंकि लंच के प्रिपरेशन कब से हो गया है, लेकिन थोड़ा सा कोई गेस्ट आए थे उनके साथ मैं बात कर रही थी, लेट हो गया इसीलिए। तो मेरा हस्बैंड खा के चले गए हैं, मैं आलू परवल और फीस का मतलब फीस नहीं डाली थी, आलू परवल कारी और ये मिक्स वेज मैं रेडी कर चुकी थी। उसके बाद मेरा भाभी ने आराध्या के हाथों में देसी चिकन कुक करके भेजा है, इसलिए आज मुझे चिकन नहीं खाना है, तो इसीलिए एक फीस मैं फ्राई करके इसमें डाली हूँ आलू परवल में करी में। तो मैं खा लूंगी अभी, और सबका लंच हो गया और मेरा हस्बैंड भी खा के चले गए हैं देसी चिकन और राइस, 4 बजे आएंगे। तो चलिए फटाफट से लंच कर लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ आप सबके साथ। हो गया है, बर्तन क्लीन भी हो गया है, किचन का काम पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया और यहाँ पर मैं नीचे बैठ के सुबह जो मेरा हस्बैंड लाए थे मार्केटिंग सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रख रही हूँ। तो फ्रिज के अंदर जो जो रखना है रख दिया, और यहाँ पर बाहर में कुछ रहेगा फ्रिज में और जगह नहीं होगा क्योंकि विंटर के सीजन में बाहर में सब्जी फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा रहता है, सूखा नहीं हो जाता है। मतलब गर्मी का दिन में फ्रिज में नहीं रखूंगी तो फिर बाहर में सूखा हो जाता है ना सब्जी वगैरह, तो ये बाहर में रख दिया क्योंकि फ्रिज में और जगह नहीं है। तो मिक्सचर वगैरह और फ्रूट्स ये सब कुछ ऑर्गेनाइज करके मैं रख दिया हूँ, और ढेर सारे लाए हैं सिंगारा पानी फॉल हम लोग बंगाली में कहते हैं, तो यहाँ पर बहुत फ्रेश फ्रेश ताज़ा ताज़ा मिलता है, विंटर का सीजन में ये ना खाओ तो कैसे चलेगा। और ये हम लोग पानी फॉल कहते हैं, हाँ हिंदी में सिंगारा, ठीक है। तो यहाँ पर तालाब में खेती करते हैं इसको, इसीलिए बहुत ताज़ा ताज़ा फ्रेश फ्रेश मिलता है। तो मैं एक खा रही हूँ अभी, और एक कोरियर आएगा अभी, मेरा हस्बैंड को पता नहीं है, उनको मैं एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगी, आपको भी दिखाऊंगी क्या आ रहा है। बाबू के पास चल रहा है, सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज, मारो दरवाजा मारो दरवाजा मारो, चलो सरप्राइज 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 सरप्राइज, पकड़ो पकड़ो, है बेहोश इंसान, माँ गैस तो कम कर, क्या है इसमें, अरे आस्ते 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 धीरे धीरे छीलो बाबा, ए मेरा मानी पास तो रह गया वहाँ पर, दरवाजा लगा, क्या है क्या पहले तो खोल दो, क्या मानी पास, हा खोलो मेरा पसंद, ठीक है देख लो, खुलना भी नहीं आता है, रिक्शन का तो लेदर का नहीं, लेदर का नहीं है ये, लेदर का है, पसंद आया कि नहीं बोलो, हाँ गिफ्ट चीज पसंद आया कि नहीं आया, हमारा पॉकेट से मेरा पॉकेट मार के तुमको, नहीं नहीं तुम्हारा पॉकेट, नहीं नहीं पक, हाँ
ज्यादा बोल दिया, ज्यादा हाँ। कितना लिया बोलो? 300 1080 1080 हाँ। तो कि झूठा बोल रहा हूँ क्या? 1080 यहाँ पर देखो बिल में। तो गाइस अभी मैं और मेरा हस्बैंड दोनों हम लोग थोड़ा सा वर्क करने के लिए जा रहे हैं। अभी पूरा 7:30 बज गया है और आर्यन ट्यूशन गया है, ट्यूशन से भी लाएंगे। बाहर से हम लोग लॉक लगा के जाएंगे क्योंकि श्वेता सो गई है। मेरा चप्पल कहाँ गया है? तो अभी मैं शाम के टाइम में ना पूरा लंच करने के बाद सब कुछ काम खत्म करने के बाद ना इसी ड्रेस में इंस्टाग्राम के लिए ना रील्स बना रही थी। डांस वगैरह इतना नहीं आता है मुझे, लेकिन जो भी आता है मैं चला लेती हूँ। आप इंस्टाग्राम की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, ऑन स्क्रीन भी है तो आप फॉलो कर सकते हैं। तो किसी का घर में शादी है, देखिए लाइट। तो आने के बाद मैं आज मेरा हस्बैंड का वॉलेट में चेकिंग करूंगी और आपको भी दिखाऊंगी। 20 साल हो गया हम लोग का शादी, लेकिन कभी भी पॉकेट चार्ज मैं नहीं की हूँ, तो आज करूंगी पॉकेट चार्ज। ठीक है, किसी का घर में शादी देखिए। तो लोग देख रहे हैं ना, तो मेरा हस्बैंड बोल रहे हैं कि लोकल में इस तरह वीडियो मत करो, लोकल में इस तरह वीडियो मत करो। क्यों नहीं करूँ, बुरा है क्या? तो अभी मैं इसमें जो मेरा हस्बैंड का जो पुराना वॉलेट है चेकिंग करूंगी और नया वॉलेट में सब कुछ ऑर्गेनाइज करके दे दूंगी गिफ्ट। देखिए देखिए पुराना वॉलेट है, पुराना वॉलेट दियो। क्या क्या है आपको दिखा रही हूँ। तो चलिए इसमें है पैसा और कुछ कागज। इसके अंदर क्या है? अच्छा, इसमें ये ड्राइविंग लाइसेंस ना और अंदर। ओके ठीक है, इसमें भी कुछ कागज है। ये तो ठीक है, लेकिन ये देखिए फट गया। एक्चुअली फटा नहीं, हाँ तो फटा। वो डिजाइन ऐसा था, थोड़ा खुल गया, डिजाइन ऐसा ही था। ये क्या डिजाइन? एक्चुअली फटा हुआ वॉलेट यूज नहीं करते हैं, गिनती मतलब करना भी नहीं चाहिए। और एटीएम है, और क्या है इसमें भी एक और कुछ नहीं है इसमें नहीं तो ओ बाबा इरुकुम अवस्था है, इरुकुम रुकते नहीं किंतु मैं तो देख नहीं मात्रो। एक्चुअली कभी भी मैं नहीं देखी हूँ इस तरह रख। ओ पूरा डिसकलर हो गया है। किसका फोटो? रामकृष्ण देव सारदा माँ। बस इस तरह रखते है कोई अच्छा वाला? एक हाँ फोटो ले लो, उसके बाद रखो। तो मैंने सोचा था कि वॉलेट खोलने के बाद मेरा फोटो निकलेगा, लेकिन निकला रामकृष्ण देव सारदा माँ और विवेकानंद। ये भी खराब हो गया है, पानी में इसको विसर्जन करना है। तो गाइस अभी हम लोग डिनर करेंगे, काफी रात हो गया, अभी पूरा 10:30 बज गया है। तो गाइस नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ मिलते हैं, तो ये वीडियो को अभी एड करती हूँ। चलिए गुड नाइट, बाय बाय से ट्रेन।